मित्रों, चैप्टर नंबर टू रैखिक सहसंबंध के लेक्चर नंबर थ्री के अंदर आज अपने सीखने वाले हैं यूवी की मेथड। तो विद्यार्थी मित्रों, यूवी की मेथड कब यूज करते हैं? जब एक्स बार और वाई बार क्या हो, अपूर्णांक में हो, या फिर एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो कैसी हो, बड़ी हो, तो उस समय अपने यूवी की मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं जो यूवी की मेथड से सवाल करवाने वाला वो थोड़ा अलग तरीके से करवाने वाला हूँ। यहाँ आपको एक्स बार वाई बार अपूर्णांक है कि नहीं है, एक्स और वाई की कीमत बड़ी है कि छोटी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उस समय जब आपके पास एक्स और वाई की कीमत दी हो, तो यूवी की मेथड जब आप करो तो इजीली सवाल करने के लिए इस शॉर्ट ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस ट्रिक से आपको सवाल करने के लिए ध्यान क्या रखना है, आपके पास यहाँ देखिए ऊंचाई और वजन एक्स और वाई ऑलरेडी दिया है। तो आपने पहला कॉलम बनाया एक्स और वाई के, उसके बाद यू वी बराबर वाई माइनस यू वी यू स्क्वायर और वी स्क्वायर, राइट है। यहाँ आपने एक्स बार वाई बार अपूर्णांक में है कि नहीं है, या एक्स और वाई की कीमत बड़ी है कि छोटी है कि नहीं है, वो ध्यान में रखते नहीं है। तो करना क्या है, तो विद्यार्थी मित्रों आपको करना क्या है कि एक्स के अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो सबसे पहले ज्ञात करो। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 153, और वाई में देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 52। ये छोटी संख्या मैं इसके लिए मानने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि छोटी संख्या मानने से यहाँ कहीं भी माइनस आएगा नहीं। विद्यार्थी मित्रों आपको पता ही है कि जब सवाल के अंदर माइनस प्लस इस प्रकार की जब पद आते हैं या संख्या आती है, तो उस समय अपने को कैलकुलेशन करने में तकलीफ होती है। तो आपकी कैलकुलेशन की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ माइनस में संख्या ना आए, इसके लिए क्या करना है, आपको एक्स में से सबसे छोटी संख्या माननी है और वाई में से भी सबसे छोटी संख्या आपको क्या करनी है, लेनी है। हालांकि आप कोई भी संख्या लोगे, इससे बाहर की भी संख्या लोगे तो भी आप आर ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या एक्स में कौन सी है, 153। तो यहाँ लिखेंगे यू बराबर एक्स माइनस 153, और y में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 52। तो यहाँ लिखेंगे v बराबर y माइनस 52, राइट है। छोटी संख्या लेने से यहाँ माइनस में आएगा नहीं। अब x के सभी संख्याओं में से आपको क्या करना है, 153 क्या करना है, माइनस करना है, और y की सबकी संख्याओं में से कितना माइनस करना है, 52। तो यहाँ कितना है x, 155 है, उसमें से कितना माइनस करेंगे, 153। ओके, तो कितना बचा, 2। फिर 165 माइनस 153 किया तो कितना बचा, 12। 158 माइनस 153 किया तो ये कितना आया, 5। फिर 162 माइनस 153 किया तो ये कितना आया, 9। 153 माइनस 153 किया तो ये कितना आया, 0। 160 माइनस 153 किया तो ये कितना आया, 7। तो यहाँ कोई भी संख्या माइनस में आएगी नहीं, कब, जब आप छोटी संख्या मानोगे तब। अब आपके y को सभी संख्याओं में से कितना माइनस करना है, 52। तो 53 में से कितना माइनस किया, 52, तो ये आया कितना, 1। 63 माइनस 52 तो ये आया 11। 56 माइनस 52 किया तो कितना आया, 4। 60 माइनस 52 किया तो कितना आया, 8। 52 माइनस 52, 0। और 60 माइनस 52 किया तो ये कितना आया, 8। ओके, तो आपका U और V का कॉलम तैयार हो गया। तो यहाँ देखिए U और V में कहीं भी माइनस आया नहीं, तो आगे भी माइनस आने की संभावना नहीं है। अब क्या करना है आपको, UV यानी U और V का क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 गुणे 1 किया तो कितना आया, 2। 12 गुणे 11 किया तो कितना आया, 132। 5 6 20 8 9 72 0 गुणे 0 यानी 0। 7 इंटू 8 इक्वल टू 56। UV ज्ञात हो गया, U और V का क्या किया, गुणा किया। अब U स्क्वायर करना है, तो U आपके पास में है ये, तो 2 का स्क्वायर किया तो 2 गुणे 2 यानी कितना, 4। 12 का किया 144, 5 का किया कितना आया, 25। 9 का 81, 0 का 0 और 7 का किया तो कितना हुआ, 49। ओके, अब आपको क्या करना है, v स्क्वायर यानी v का स्क्वायर करना है। तो v दिया कितना है, 1। 1 का स्क्वायर किया तो 1। 11 गुणे 11 किया तो 121। 4 का किया तो कितना, 16। 8 का 64, 0 और ये कितना आया, 64। ओके, तो इस प्रकार इजीली आपके यू वी यू वी यू स्क्वायर और वी स्क्वायर के कॉलम तैयार हो गए। यहाँ आपको एक्स और वाई का टोटल करने की जरूरत पड़ी नहीं। अब अपने क्या करेंगे, यू का टोटल करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा यू, तो यू का टोटल किया तो कितना आया, 35। वी का टोटल किया तो ये आया 32। सिग्मा यू वी का टोटल किया तो यू वी का टोटल हुआ 282। इसका टोटल किया तो ये आया कितना, 303। और वी स्क्वायर का टोटल किया तो ये आया कितना, 266। ओके, तो आपको सिग्मा यू, सिग्मा वी, यू वी, सिग्मा यू स्क्वायर और सिग्मा वी स्क्वायर प्राप्त हो चुका है। तो अब अपने यू वी का सूत्र लगा देंगे। तो यू वी का सूत्र क्या है, आर बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडरवुड एन सिग्मा
यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू अंडरवुड एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। ओके सूत्र आ गया अपना। अब सूत्र में क्या करेंगे, रकम रखेंगे। तो क्या है, सबसे पहले एन, एन यानी कितनी संख्या दी है एक्स में, एक दो तीन चार पाँच छः, तो एन बराबर कितना हो गया छः। फिर क्या है सिग्मा यू वी, तो सिग्मा यू वी ऑलरेडी आपको ज्ञात कर चुके हैं कितना आया 282 माइनस सिग्मा यू, तो सिग्मा यू कितना है 35, सिग्मा वी कितना है 32, ओके अपॉन अंडरवुड, फिर वापस कितना है एन, एन कितना है 6, सिग्मा यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर का टोटल कितना है 303 माइनस, अब यहाँ ध्यान रखिए सिग्मा यू का स्क्वायर है, तो सिग्मा यू कितना है 35, यू स्क्वायर नहीं है, क्या है यू का स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर करेंगे इनटू अंडरवुड, एन कितना है 6, सिग्मा वी स्क्वायर कितना है अपने पास में 266 माइनस सिग्मा वी का स्क्वायर है, तो वी कितना है 32, तो 32 का स्क्वायर किया। ओके ध्यान रखो विद्यार्थी मित्रों, जितना आप कॉलम व्यवस्थित तैयार करेंगे, सूत्रों के अंदर रकम व्यवस्थित रखेंगे, उतना आपका सवाल इजीली हो जाएगा। बाकी स्टेट के अंदर कुछ भी ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले गुणा कर देते हैं, तो 6 गुणे 282 किया तो यह आया 1692 माइनस, फिर 35 इंटू कितना किया 32, तो यह आया 1120। ओके अपॉन अंडरवुड गुणा करेंगे, 6 गुणे कितना करेंगे 303, तो यह आया 1818 माइनस 35 का स्क्वायर करेंगे 35 गुणे 35, तो यह आया 1225 इंटू, फिर करेंगे 6 गुणे 266 किया तो यह आया 1596 माइनस 32 का स्क्वायर किया, तो 32 का स्क्वायर किया तो 1024। ओके गुणा हो गया। अब प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ 1692 माइनस 1120 किया तो ये कितना बचा 572। ओके अब यहाँ पे भी माइनस करना है, 1818 में से कितना माइनस करना है 1225, तो ये आया 593 इंटू, और माइनस करेंगे 1596 में से 1024, तो ये आया 572। क्लियर। अब 572 का 572 रहेंगे, अब अपने क्या करेंगे इसको स्क्वायर रूट करेंगे इसका, 593 का किया तो यह आया 24.35 इंटू, 572 का किया तो यह आया 23.92। ओके अब ऊपर 572 का 572 रह गए, अब इन दोनों का क्या करेंगे अपने इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा किया तो आया 582.45। अब भाग कर देंगे 572 अपॉन 582.45, तो आर की कीमत मिली 0.98, दैट्स द वैल्यू ऑफ आर। ओके तो इस प्रकार आर आपको प्राप्त हो चुका है। अगर अर्धघटन करने के लिए कहा होता है इस सवाल के अंदर, यहाँ तो सहसंबंधांक का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, अर्धघटन करने के लिए कहा होता तो आपकी जो आर की कीमत वो किसमें आ रही है प्लस में, तो कौन सा सहसंबंध है धन सहसंबंध है, और 0.98 है यानी आर के क्या है करीब है, तो ये आपका कौन सा सहसंबंध होता संपूर्ण, ओके घनिष्ठ धन सहसंबंध होता, क्या होता संपूर्ण घनिष्ठ धन सहसंबंध। ओके अर्धघटन करने के लिए करें कह तो अर्धघटन खास लिखें क्योंकि एक नंबर उसका होता है। तो इस प्रकार यूवी की मेथड से आप क्या है आसानी से सवाल, कोई भी सवाल हो आपके पास, एक्स बार वाई बार पूर्णांक में हो अपूर्णांक में हो, एक्स और वाई की कीमत बड़ी हो छोटी हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, x में से छोटी कीमत माननी है, y में से छोटी माननी है, छोटी कीमत अपने इसके लिए मान रहे ताकि यहाँ कहीं माइनस में आए नहीं, माइनस में नहीं आने से क्या होगा टोटल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। हालांकि आप कोई भी संख्या मानकर इस सवाल को कर सकते हैं, फिर u v u स्क्वायर v स्क्वायर का कॉलम तैयार करके सूत्र में स्टेप बाय स्टेप रकम रखेंगे तो आसानी से आप r की कीमत प्राप्त कर सकते हैं। होप्स हो कि विद्यार्थी मित्रों आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। ये जो मेथड है इस मेथड से यूवी की मेथड से आप मोस्ट मैक्सिमम सवाल कर सकते हो। आगे आने वाले चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी आप इस सूत्र से सवाल कर सकते हो, आपको इस पूरा समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहिए मस्त रहिए।